कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज हम चारा काटने आए हैं बरसीन। मम्मी गई हैं अपने मायके, तो हम आए हैं। हम चारा वारा तो ले आए हैं खेत से, अब दाल वाल पीस रहे हैं इतने समय, क्योंकि हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं कचौड़ी बनाने के लिए दाल की, और काम बहुत ज़्यादा है। अभी मशीन में चारा भी लगाना है, देखते हैं। जल्दी से बना दे बिट्टू, जल्दी से बना दे कचौड़ी। अच्छा चलो, दाल तो पीस लिया हमने, चलो चारा लगा दे गाय को पहले, फिर चलो किचन में चलते हैं। हेलो फ्रेंड, दाल तो मेरी पीस गई है, अब बिट्टी कह रही है जल्दी से बनाओ खाना, कचौड़ी वचौड़ी है बिट्टू। तब से बैठी पास में बैठी थी और देख रही थी कैसे पीस रहे कैसे नहीं। तुम्हें पीसना है बाबू? दाल पीसना है क्या? अब तो चुक गई है, अब क्या पीसोगी? नहीं पीसोगी? चलो ठीक है ना, पीसो। चलो जल्दी जल्दी चारा काट लियो भैया, मम्मी तो अपने मायके गई। कचौड़ी और भी कुछ बनाना है साथ में। हम आ गए अपने किचन में, चारा वारा तो लगा दिया गाय को, और मम्मी भी अपने मायके से आ गए। बहुत अच्छी बात है कि मम्मी आ गई हमारी, और हम देखिए कढ़ाई तो चढ़ा दिया है, और आपको दिखाते हैं कैसे बनाए। हेलो फ्रेंड, दाल तो मेरी भूंज गई है, कस के भूंज लिया है, और इधर तेल भी गरम कर रहे हैं, अब बनाने की तैयारी करते हैं कचौड़ी। आटा भी 15-20 मिनट हो गए जाते हैं गूंदे हुए, अच्छा सा हो गया आटा भी। गेहूं के आटे से बना रहे हैं, और उड़द की दाल है, सब कुछ तो डाल दिया इधर। हमारी चाय भी बन रही है, तब तक जब तक पकेगी तब तक कचौड़ियाँ निकलने लगेंगी। बिट्टी अच्छे से बनाओ थोड़ा सा, ये कैसे बना रही हूँ? बिट्टी हमारे बनाना सीख रही है रोटी वोटी। अच्छा इतने बेल दो, बेलो तो बेलो इतने। टेढ़ी टेढ़ी आ रही है, कचौड़ी तो फ्रेंड बन गई है मेरी। तो अब मैं सबको देने जा रही हूँ, और चाय भी मेरी पक चुकी है। हेलो फ्रेंड, हम कह रहे थे कि कचौड़ी के साथ साथ बड़े भी बना रहे हैं, बन गए हैं। तो डर लगता है तेल में डालते हैं। Okay, करो। नहीं,
काटो काटो। देखिए फ्रेंड पानी में डाल रहे हैं बड़ा और निचोड़ के दही में डाल देंगे, जल्दी से भीग जाएंगे। पानी न जाए दही में। घर का ही कल हमने जमाया था दही और आज भिगो के रख देते हैं। ऐसे सब बहुत कम घर पे खाते हैं दही वही, और बड़ा वड़ा डाल दो तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हो गया, अब छोड़ देंगे अब भीगने के लिए। और थोड़ा सा मसाला भी डाल देते हैं। थोड़ा सा और काम बचा है इसमें, और मसाला वसाला डाल देंगे भूंज के। जीरा और नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तो और टेस्टी बन जाएगा। अब इसको ढक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब कुछ तो बन गया है और बड़ा भी बना लिया और कचौड़ी भी बना लिया हमने। अब हम यहीं पे वीडियो अपने समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।